दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक पोएम मेंडिंग वॉल। दोस्तों ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट पोएम है। यहाँ पे मेंडिंग का मतलब है रिपेयर करना और वॉल का मतलब होता है दीवार। तो दीवार को रिपेयर करना, मरम्मत करना दीवार की। तो यहाँ पे किस दीवार की मरम्मत की बात हो रही है? दोस्तों एक ऐसी दीवार की मरम्मत जो पोएट और उसके पड़ोसी के बीच में है। वो दीवार एक्चुअली पत्थरों से बनी हुई है, तो जब जब गर्मियाँ आती है तो उस दीवार के पत्थर गिर जाते हैं साइडों में। वो पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, तो पोएट को वो पत्थर उठा करके वापस दीवार पे रखने में प्रॉब्लम होती है। तो वो अपने पड़ोसी से बोलता है कि क्यों ना हम इस दीवार को हटाई दें, लेकिन उसका पड़ोसी राज़ी नहीं है इस दीवार को हटाने के लिए। ये इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। यहाँ दोस्तों समथिंग का मतलब है समवन, मतलब यहाँ कोई ऐसा है तुम्हारे और मेरे बीच में जो इस दीवार को पसंद नहीं कर रहा। डजंट लव अ वॉल, जो इस दीवार को पसंद नहीं कर रहा। दैट सेंस द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल्स अंडर इट, जो ये सब कर रहा है, जो नेचर को ठंडा कर देता है। क्योंकि सर्दियों में ये ग्राउंड पर जब बर्फ जम जाती है तो वो बर्फ स्वेल होने लगती है एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। और इन द सन यानी कि गर्मियों में वो बर्फ स्पिल होने लगती है यानी गलने लगती है, जिससे ऊपर की तरफ जो बोल्डर्स हैं, बोल्डर्स यानी कि पत्थर हैं दीवार के ऊपर जो पत्थर हैं, वो गिरने लगते हैं एंड मेक्स गैप्स, और ये हमारे बीच में दूरियां बढ़ा देती है। इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, मतलब इतना गैप बढ़ा देती है कि दो जने एक साथ वहाँ से पास हो जाएं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, मतलब हंटर्स ने ये दीवार नहीं गिराई है क्योंकि ये उनका काम नहीं है, उनका काम दूसरा है। वो अलग तरीके से इस काम को करते हैं, और अगर वो ये करते भी हैं, थोड़े बहुत पत्थर गिरा देते हैं, तो आई हैव कम आफ्टर दैम, तो फिर मैं आता हूँ एंड मेड रिपेयर, और इस दीवार को रिपेयर कर देता हूँ जितने भी वो पत्थर गिराते हैं। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, मतलब दीवार के जिस हिस्से को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, बिगाड़ा है, तो मैं खुद ही उसको रिपेयर कर देता हूँ आकर के। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि हंटर्स ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल आगे पॉइंट बताता है, बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, कि उनको जो इन दीवारों में छोटे छोटे खरगोश छुपे रहते हैं इन दीवारों में, उनको बाहर निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, ताकि इन खरगोशों को इन हंटर्स के कुत्ते खाएं, इन खरगोशों को खाएं। द गैप्स आई मीन, लेकिन मेरा मतलब यह है कि ये गैप, ये दरारें, नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, इनको ना तो पहले किसी ने देखा और ना ही इनके बारे में सुना कि ये कैसे बनी। उन हंटर्स ने तो इनको नहीं बनाया, बट एट स्प्रिंग, और स्प्रिंग के टाइम पे मेंडिंग टाइम, जब मेंडिंग टाइम होता है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं इस दीवार की मरम्मत करने, वी फाइंड देम देयर, तो हमें ये दरारें यहाँ पे मिलती है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, स्पीकर का एक नेबर है जो कि बियॉन्ड द हिल रहता है, उसके और स्पीकर के बीच में ये दीवार है एक्चुअली। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, तो जैसे ही स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग का सीजन आता है, तो एक दिन ये दोनों जने, स्पीकर और इसका नेबर, ये दोनों जने मिल करके एक दिन टाइम निकाल कर दोनों नेबर्स आपस में मिलते हैं और इस दीवार के साइड बाय साइड चलते हैं। वो अपनी तरफ से चलता है और स्पीकर अपनी तरफ से चलता है। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और जहाँ जहाँ अपनी अपनी तरफ इनकी दीवार के पत्थर बिखरे हुए रहते हैं, उनको जो ये दोनों जने अपनी अपनी तरफ से ठीक करने लगते हैं, उसको सेट करने लगते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, हम दोनों इस दीवार को वैसे की वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे ये है। टू ईज द बाउल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, मतलब हम दोनों का तय है कि जिसकी साइड जो पत्थर गिरेगा वो ही उन पत्थरों को उठाकर ऊपर दीवार पर वापस रखेगा। एंड सम आर लव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, कुछ ये पत्थर तो लव्स की शेप के हैं और कुछ बिल्कुल बॉल्स की शेप के, गोल गोल। तो इन्हें वापस उठा करके दीवार पे रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, हमें इन पत्थरों को वहाँ पर, इतना मुश्किल काम है कि हमें ये काम करने के लिए किसी जादू की ज़रूरत पड़ेगी जो इन पत्थरों को बैलेंस कर सके। स्टे वेयर यू आर Until our backs are turned, मतलब यहाँ पे स्पीकर और उसका नेबर
दोनों ये चीज़ चाहते हैं कि जो पत्थर है वापस अपने अपने जगह पर हों, इससे पहले कि ये दोनों जने अपने अपने काम पर वापस लौट जाएं, एक दूसरे को पीठ दिखाकर वापस अपने अपने काम पर लौट जाएं। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग दैम, और इन पत्थरों को संभालते संभालते, हैंडल करते करते हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो रफ हो गई है। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, कि ये एक टाइप का, ये जो स्पीकर और उसका जो नेबर कर रहे हैं ये एक टाइप का आउटडोर गेम है, ऐसा लगता है स्पीकर को, कोई वॉलीबॉल की तरह जिसके एक साइड एक बंदा है, वन ऑन अ साइड, और ये दीवार हमारा नेट है। इट कम्स टू लिटिल मोर, मतलब इस काम का कोई गहरा पर्पस नहीं है। आगे स्पीकर बोल रहा है कि जहाँ ये दीवार है, देयर वेयर इट इज, वी डू नॉट नीड द वॉल, हमें इस दीवार की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारे बीच में ये दीवार है, इस दीवार की हमें ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, मेरा पड़ोसी अपने बागीचे में पाइन के ट्रीज लगाता है और मैं एप्पल ट्रीज अपने बागीचे के अंदर। माय एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स। यहाँ पे बहुत ही फनी बात बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि अगर हमारे बीच में ये जो दीवार है ये हट भी जाती है तो मेरे एप्पल्स कभी भी उस साइड जा कर के उसके पाइन के कॉर्न्स को नहीं खाएंगे। आई टेल हिम, ये बात मैंने उससे कही। ही ओनली सेज, उसने सिर्फ इतना ही कहा इस बात के जवाब में, सिर्फ उसने यही रेस्पॉन्स दिया, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि हम दोनों के बीच की ये जो दीवार है वो जितनी अच्छी और स्ट्रांग होगी, वैसे फेंसेस का मतलब होता है बाड़े, जो दीवार जो है इनके लिए तो यही बाड़ा है, ये दीवार जितनी ही अच्छी और स्ट्रांग होगी उतने ही अच्छे हमारे रिलेशंस होंगे, मतलब उतने ही अच्छे हम पड़ोसी होंगे। उसके कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे यह है कि वो प्राइवेसी चाहता है, वो नहीं चाहता कि ये दीवार हटे। स्प्रिंग इज़ द मिस्चीफ इन मी, लेकिन यहाँ पे स्पीकर की व्यथा क्या है, वो ये बोलता है स्प्रिंग इज़ द मिस्चीफ इन मी, कि स्प्रिंग का सीज़न स्पीकर के लिए बहुत ही बुरा रहता है। एंड आई वॉन्डर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, और वो चाहता है कि वो किस तरह से ये आइडिया अपने नेबर के दिमाग में डाले कि बीच में से ये दीवार हटा ले भाई। आगे पॉइंट बोलता है व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स, कि ये दीवारें हमको क्यों अच्छा नेबर बनाएंगी। इजंट इट वियर्ड देयर आर काउज, मतलब यहाँ पे आसपास कोई गायें हैं, कोई काउज हैं, बट हेयर देयर आर नो काउज, लेकिन यहाँ पे कोई काउ नहीं है, कोई गाय नहीं है, हम दोनों में से किसी के पास कोई गाय नहीं है, कोई काउज नहीं है जो हम दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब स्पीकर मन में बोलता है कि मैंने तो ये दीवार बनाई ही नहीं, बल्कि मेरे पड़ोसी ने ये दीवार बनाई है। और आगे स्पीकर बोलता है बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आईड आस्क टू नो, कि कल को अगर मैं कोई दीवार बनाऊंगा, कल को अगर मैं कोई दीवार बनाता हूं तो मैं खुद से एक बार पूछूंगा। आईड आस्क टू नो का मतलब मैं एक बार खुद से पूछूंगा व्हाट आई वॉज वॉलिंग इन एंड वॉलिंग आउट, कि इस दीवार को बनाने के पीछे क्या मकसद है। एंड टू हूम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और ये दीवार बनाकर मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा। और फिर स्पीकर वही बात दोहराता है अपनी शुरू वाली, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, कि कोई तो है जिसे ये दीवार यहाँ पे पसंद नहीं है, एंड वॉन्ट्स इट डाउन, जो इसे बार बार गिरा देता है। आई कुड से एल्स टू हिम, और मैं इसे एल्व्स कहता हूँ, अपने पड़ोसी को बताता हूँ कि ये एल्व्स का काम है। एल्व्स का मतलब एक तरह से नेचर का ही काम है, लेकिन आगे वाली लाइन में स्पीकर बोलता है बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, लेकिन ये एग्जैक्टली एल्व्स नहीं है। एंड आईड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नेबर खुद इस बात को समझे, उसे खुद ही ये बात समझ में आ जाए कि नेचर भी इस दीवार को यहाँ पर नहीं रखना चाहती। I see him there, मैं उसको देखता हूँ, मेरे पड़ोसी को, bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, वो अपने दोनों हाथों में पत्थर लेकर के आ रहा है, उसने टॉप से पत्थर को अपने हाथ में जकड़ कर पकड़ रखा है, और वो ऐसे लग रहा है like an old stone savage armed, कि जैसे कोई आदि मानव हो, जैसे कोई आदि मानव पत्थर उठाता है अपने दोनों हाथों में, वैसे उठाकर ला रहा है।
ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। स्पीकर यहाँ पे बहुत ही गहरी बात कहता है दोस्तों कि मेरे पड़ोसी के अंदर डार्कनेस है, वो डार्कनेस में मूव कर रहा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्रीज। इस लाइन का मतलब यह है कि वो डार्कनेस वो नहीं है जो पेड़ों की शेडो से उसके ऊपर पड़ रही है, उससे वो डार्कनेस नहीं है, बल्कि इसके मन के अंदर एक डार्कनेस है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग। ये उस बात के खिलाफ कभी नहीं जाएगा जो इसके फादर ने इसको कही थी। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल। और वो अपने पिता की बोली हुई इस बात को बड़ा पसंद भी करता है और ये अपने पिता की बोली हुई बात को सही भी मानता है। मैं कितना भी इसको समझा लूँ, मैं कितना भी इसको कन्विंस करने की कोशिश करूँ, ही सेज अगेन, वो यही बात बार बार दोहराएगा अपने फादर वाली बात को, गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स। इसके फादर बोलते थे कि गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स, और वही बात ये बार बार मुझे दोहराएगा कि गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स।